A warm hello to all the learners of Mathematics Maths Adda. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज हम फिर से प्लेन एरिया के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें प्लेन एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एस्ट्रॉयड की इक्वेशन लिखी है, इसका जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनेगा उस पॉजिटिव क्वाड्रेंट की आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. सबसे पहला जो वीडियो किया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का किया था वो भी एस्ट्रॉयड का क्वेश्चन था, लेकिन वो एस्ट्रॉयड हमने लेंथ वाइज निकाली थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतने की. लेकिन आपको यहाँ पे अब इस पहले क्वाड्रेंट में जो ये एरिया पूरा बन रहा है ओ ए बी के अंदर का पूरा एरिया, इस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमको निकालनी है तो एलिमेंट्री पार्ट जो है वो ऐसे बनेगा, पी क्यू एम एन, और ये डेल एक्स हो जाएगा. तो इसका एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, इसका हमने पहले ये सेंटर निकाला था, एक्स बार का फॉर्मूला था एक्स वाई डी एक्स और अपॉन में वाई डी एक्स था, और वाई बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई बाई टू डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स. ये एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला था. अब यहाँ पे जो हमने पहले हमने क्वेश्चन किया था वो हमने कार्टेशियन फॉर्म से ही सॉल्यूशन किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे सॉल्यूशन की मेथड. यहाँ पे हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करेंगे. तो x इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है किसकी, एस्ट्रॉइड की. तो dx अपॉन dt अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस का आएगा वो मैंने माइनस लिख दिया. dy अपॉन dt कितना आएगा, 3a sin स्क्वायर t cos t. तो अगर हम x बार की बात करें तो x बार क्या होता है, x y dx को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt इंटू dt, और ऐसे ही y dx अपॉन dt इंटू dt ये लिख सकते हैं हम. तो x बार क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, a cos क्यूब t, y की वैल्यू क्या है, a sin क्यूब t, dx अपॉन dt कितना है माइनस, ये फॉर्मूला में y बार का और x बार का हटा दे रहा हूँ, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा जो हमने निकाला हुआ है, 3a cos स्क्वायर t sin t और इनटू में क्या है dt अपॉन, y की जगह पे a sin क्यूब t dx अपॉन dt वो निकाला हुआ है माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t और इनटू में क्या है dt. और अगर हम लिमिट की बात करें तो t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, t जा रहा है एक्चुअल में जब हम dx की बात करेंगे तो dx की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में x 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, a तक जा रहा है. जब x 0 है, x 0 है तो ये 0 रखेंगे तो cos क्यूब t कितना आ जाएगा 0, और cos 0 कब होता है 90 पे, तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 90 होगी, और x की हायर लिमिट यहाँ पे कितनी, a a यहाँ रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 कब होता है 0 पे, तो पाई बाई 2 से 0 बन जाएगा. ये लिमिट आप थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे. तो x बार कितना हो जाएगा, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, a से a कैंसिल हो गया, 3a से 3a कैंसिल हो गया, और लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस और ये जो दोनों माइनस आ रहे हैं प्लस हो जाएंगे, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 cos साइन की पावर, एक तो ए बाहर आ रहा है, साइन की पावर 4t इंटू कॉस की पावर 5t dt अपॉन, ये भी हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4t इंटू कॉस स्क्वायर t dt. तो ये x बार का हमारा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके पैरामीट्रिक फॉर्म में इतना आ जाएगा. अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे होगा, बीटा एंड गामा फंक्शन से, क्योंकि लिमिट तो आपकी क्या है 0 से पाई बाई 2 लिमिट आ रही है, तो 0 से पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, गामा 4 प्लस 1 बाई 2 गामा 5 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 5 प्लस 2 बाई 2 अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा, गामा 4 प्लस 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 2 प्लस 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा. बाकी मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ,
और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बीटा एंड गामा फंक्शन डिटेल में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो आप बीटा एंड गामा फंक्शंस की वीडियोस बनी हुई हैं काफ़ी डिटेल में, मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से गामा फंक्शन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो फिलहाल जो एक्स बार का जो आंसर आ रहा है, वो आंसर यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो आ रहा है 256 a अपॉन 356 a अपॉन 315 पाए। ये एक्स बार आ गया क्योंकि ये डायग्राम पूरा सिमेट्रिकल है, और डायग्राम क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसकी वाई बार की वैल्यू भी यही आएगी जो एक्स बार की वैल्यू आ रही है। आप चाहें तो पूरा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक्स बार और वाई बार सेम आएगी। किस केस में? एस्ट्रॉइड के केस में। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, और वो चेंज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उस चेंज के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ 1 कर दिया जाए, यहाँ ए और इसकी पावर 2/3, और यहाँ बी कर दिया जाए और उसकी पावर कितनी 2/3, तो तब क्या क्या चेंजेस आएंगे उस केस के लिए, आपको क्या करना है? क्योंकि लिमिट तो वही रहनी है, डायग्राम वही बनेगा, एस्ट्रॉइड का ही डायग्राम बनता है, लेकिन जब आप एक्स रखेंगे तो वो ए कॉस क्यूब टी होगा, और वाई क्या होगा? ए साइन क्यूब टी। तो एक्स और वाई में सिर्फ ये, सॉरी, बी आएगा यहाँ पे, बी साइन क्यूब टी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि एक्स और वाई को हमको क्या चेंज करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब एक ऐसी फॉर्म होता है जो एक्स और वाई की वैल्यू हम ये रख रहे हैं, ये रखने के बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज आप रखते हैं यहाँ पे तो आपको सॉल्व करके वो 1 मिलेगा। तो यहाँ से आगे का पूरा सॉल्यूशन वैसे ही है जो मैंने अभी आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आंसर देखें कि आंसर क्या आ रहा है इसका। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेंट ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स की जो क्वाड्रेंट बनेगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है, सिर्फ क्वाड्रेंट की। तो इसमें जब एलिमेंट्री पार्ट बनाएंगे तो हम ऐसे कुछ बनेगा, पी क्यू एम एन। इक्वेशन अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, ये कार्डेशियन इक्वेशन हो गई। पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें तो पैरामेट्रिक के इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी एंड वाई इक्वल टू बी साइन टी। ये एक्स और वाई की वैल्यू होगी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए साइन टी डी टी, और वाई ये हो जाएगा बी कॉस टी डी टी। एक्स बार और वाई बार इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं, तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स। एक्स क्या है, ए कॉस टी, वाई कितना है बी साइन टी, और डी एक्स कितना है, माइनस ए साइन टी डी टी अपॉन बी साइन टी डी एक्स की जगह पे माइनस ए साइन टी डी टी। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पे एक्स 0 होगा और यहाँ पे एक्स कितना होगा, ए ए कॉमा 0 होता है। तो जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 में कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और कॉस 0 कब होता है 90 पे, तो लोअर लिमिट 90 हो गई और हायर लिमिट कितनी हो जाएगी 0, और ये भी पाई बाय 2 से 0। तो एक बी कैंसिल हो रहा है और एक ए कैंसिल हो रहा है, और जब हम इसके लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, एक ए बाहर आ जाएगा, कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी डी टी अपॉन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन है फिर से कैसे सॉल्व होगा, फिर से सॉल्व होगा ये बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज़ करके। तो एक्स बार क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 गामा, 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 गामा, 0 प्लस 1 अपॉन 2 गामा, और अपॉन 2 गामा, 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2। तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है और एक ये कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू ए 2 प्लस, सॉरी 2 अपॉन 2 1 हो गया,
अपॉन 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5/2 गामा, अपॉन गामा 1/2 कितना होता है, रूट पाए, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4, और 4/2 कितना होता है, 2, और 2 गामा कितना होता है, 1। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो a अपॉन √5, और गामा 5/2 क्या होता है, 3/2 × 1/2 × γ1/2 यानी कि रूट पाए, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 a/π। तो ये x बार की वैल्यू आ गई 4a/3π, और y बार इसी तरीके से आप निकालें जो फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ। तो y बार में क्या आ रहा होगा चेंज, 4b/3π, बाकी सब सेम आएगा, a की जगह पे कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, और बुक्स में आप अलग अलग बुक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्लेन एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। कुछ जो क्वेश्चंस जिसमें जो एरिया है वो एक्स और वाई से पूरा लगता हुआ एरिया नहीं है, उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालें वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और बाकी जो एरिया या तो एक्स से लग रहा है या पूरा वाई से लग रहा है, उस केस के काफ़ी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। तो